यूनिट वन की क्लास फोर्थ नंबर की है। और अपना जो चैनल है उसको एटी सारणी यूट्यूब चैनल पे सर्च करके आप पढ़ सकते हो फर्स्ट यूनिट। ठीक है, फिर आज अपन पढ़ेंगे आग के बारे में। आग क्या होती है? आग किसी भी पदार्थ का जलन करना, जलना या दहन करना आग कहलाता है। ठीक है, फिर आग लगने के कुछ कारण होते हैं। आग लगने के मुख्य कारण तीन मुख्य कारण। एक होता है ईंधन या ज्वलनशील पदार्थ, फिर दूसरी होती है अपनी उष्मा कारण भी आग लगती है, और तीसरा होता है ऑक्सीजन के कारण भी आग लगती है। ठीक है, तो कुछ जो मुख्य अपने कार्य साधन मुख्य कारण है जो मैं आपको बता रहा हूँ, एक होता है शॉर्ट सर्किट। क्या होता है? कई बार अत्यधिक स्पार्किंग होने के कारण, शॉर्ट सर्किट होने के कारण वर्कशॉप आग जाती है। फिर होता है कुछ ज्वलनशील पदार्थ, जैसे मोबिल ऑयल हो गया, लकड़ी के टुकड़े हो गए, या बीड़ी सिगरेट का अनबुझे टुकड़े का इधर उधर फेंक देने के कारण भी आग लग जाती है। फिर होता है क्या होता है, कुछ विस्फोटक पदार्थ होते हैं जो सही स्थान पर नहीं रखने के कारण भी आग लग जाती है। फिर सर्दियों में हाथ सेकने के लिए कुछ गीले कपड़े, मट्टी तेल में भीगे हुए गीले कपड़े के कारण भी आग लग जाती है। तो ये आग लगने के मुख्य कारण। फिर अपन पढ़ेंगे आग के कुछ प्रकार होते हैं। तो आग को मुख्य चार प्रकार में डिवाइड किया गया है। तो आग के मुख्य प्रकार में सबसे प्रथम होता है श्रेणी ए, यानी कि क्लास ए। क्लास ए में कौन सी आग आती है? जो लकड़ी कपड़े और जो कागज में आग जो लगती है वो ए श्रेणी के अंदर आती है। इसको बुझाने के लिए अपन सीधा जल की बौछार के द्वारा अपन श्रेणी ए की आग को बुझा सकते हैं। ठीक है, जो ए श्रेणी है। फिर आती है अपने दूसरे नंबर पर होती है श्रेणी बी, क्लास बी के अंतर्गत जो होती है पेट्रोल डीजल में जो आग लगती है उसको बुझाने के लिए अपन जो फोम टाइप फायर एस्टिगेटर होता है, यानी कि झाप वाले उसको उपयोग करते हैं, फोम टाइप फायर एस्टिगेटर। ठीक है, उसके बाद में होता है श्रेणी सी श्रेणी के अंतर्गत आती है जो जैसे गैस वगैरह आग लगी, जैसे एलपीजी हो गया, सिलेंडर में आग लगी तो उनको बुझाने में आती है। उसको बुझाने के लिए अपन ड्राई पाउडर यूज करते हैं। ड्राई पाउडर होता है सूस पाउडर होता है, यानी कि सूखा हुआ पाउडर होता है, जिसको अपन ये आग लगी हुई उस पर डाल के अपन बुझा सकते हैं। उसके बाद आती है अपनी डी श्रेणी। डी श्रेणी के अंतर्गत आती है जैसे विद्युतिक वायरिंग वगैरह में लगी है, पैनल में लगा हुआ लगी हुई आग होती है, उसको डी श्रेणी के अंतर्गत आती है। उसको बुझाने के लिए सी टी सी यानी कार्बन टेट्राक्लोराइड या फिर कार्बन डाइऑक्साइड सी ओ टू का उपयोग करते हैं। ठीक है, सामग्री के अंतर्गत